नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ सतवीर सहारण। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जीवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाडीवाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन आज यहां जो स्कूल संचालक है उन द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि अभी नए सेशन में जो है बच्चों के एडमिशन होने हैं, उसी को लेकर भिन्न भिन्न जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो अपने कार्यक्रम कर रही है। उसी कड़ी में आज हम जीवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाडीवाल में पहुंचे हैं। अगर आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए वो अच्छे नागरिक बने, अच्छे संस्कार मिले, तो ग्रामीण अंचल में जो इस तरह की संस्थाएं हैं उनमें जरूर आप विजिट करें। एक तो आप, मैं तस्वीरों में ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एकदम खेतों के बीच में बना ये प्रांगण बहुत ही नेचुरल तरीके से यहाँ पर नेचर के करीब रहकर आपके जो बच्चे हैं वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करेंगे। ये पीछे आप पूरा जो बिल्डिंग है स्कूल की देख पा रहे हैं, ग्रामीण विकास मॉडल स्कूल, जिसको जीवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल चाडीवाल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक टैलेंट बच्चों का सर्च किया गया था, उसमें जो बच्चे यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड थर्ड आए थे उनको आज नगद राशि दी जाएगी और जिन बच्चों ने यहाँ क्वालिफाई किया है उनको फीस में भी छूट दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। हम यहाँ के जो संचालक हैं, जो मुख्य प्रिंसिपल हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा गया है कि जो यहाँ सुविधाएं दी जा रही है स्कूल की तरफ से, फुल एसी कैंप्स है, फुल प्री प्राइमरी क्लासेज है, स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स है, हॉस्टल फैसिलिटी है, फ्री कोचिंग है, जेएनवी सैनिक स्कूल की, बोर्ड्स क्लासेस की, तमाम तरह की जो फैसिलिटी आजकल छात्र छात्राओं को चाहिए वो यहाँ इस स्कूल के प्रांगण में मिलती हैं। अब हमारे साथ यहाँ के जो संचालक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो जुड़ेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे और यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं उनसे भी बातचीत आपकी करवाएंगे। क्या पर्पज है? वेरी गुड मॉर्निंग सतबीर जी, और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम, धन्यवाद। हमारे स्कूल में जो 24 फरवरी को एक टैलेंट सर्च एक कंपटीशन रखा गया था, उसके तहत काफी बच्चों ने भाग लिया, जिसमें बाहर के बच्चे भी थे, हमारे खुद स्कूल के हमारे बच्चे भी थे, तो अप्रोक्सीमेट 400 बच्चों ने उसमें भाग लिया था। उसमें हमने काफी जैसे कैश प्राइजेस, ट्रॉफी और सर्टिफिकेट से उनको सम्मानित करने का एक निर्णय लिया था, जिसका रिजल्ट हमने 3 मार्च को घोषित कर दिया था। आज 14 मार्च को उनका इनाम वितरण समारोह रखा गया है, जिसमें आपने शिरकत की, आपका धन्यवाद, और सभी जो अभिभावक हैं उनको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को, स्टाफ मेंबर्स को, जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया आज के फंक्शन, और मेरी तरफ से आप सभी को, दर्शकों को लिखी शुभकामनाएं। यही आज का प्रोग्राम है, सारे बच्चों को हमने इनवाइट किया है। कुछ फसल का सीजन होने की वजह से पेरेंट्स नहीं आ सके, तो उन बच्चों को हम सम्मानित करेंगे जो भी आज आए हैं। और जो हमारा पीछे सेशन का 2022-23 का जो रिजल्ट था, उसमें क्रमशः जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो बच्चे आए थे उनके लिए भी हमने जो प्राइजेस वगैरह, उनकी ट्रॉफियां आज वितरित करने जा रहे हैं, और आगामी सत्र के लिए सभी स्टाफ मेंबर और हम तैयारियों में जुटे हैं। और यही है जी, आज का जो इनाम वितरण समारोह है उसके लिए जो पेरेंट्स आए हुए हैं उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आगामी सत्र में जब अभी नए एडमिशन सर होंगे, तो जिस तरह से गांव में कई बच्चे ऐसे हैं जिनमें प्रतिभा तो है लेकिन वो इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, उनके लिए कोई विशेष छूट? सतवीर जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पिक किया है। इसमें जीवीएम परिवार हमेशा से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको हमेशा हमने जो इकोनॉमिकली वीकर बच्चे हैं और जो अव्वल रहते हैं स्टडी के अंदर, उन बच्चों को हमने पहले ही आर्थिक सहायता दी है, फीस में छूट दी है, उनको स्कॉलरशिप के माध्यम से आगे बढ़ाया है। जब हमारी स्थापना चोकता ब्लॉक के गांव में 1999 में हमने ये स्थापित किया था,
तो तब से लेके आज तक हमने उन बच्चों को पूरी मदद किया जो हमेशा आगे बढ़ना चाहते थे। हमारी तरफ से कोई उनको हमने दिक्कत नहीं आने दी स्टडी में या इकोनॉमिकली। जो बच्चे वीक थे जो इस कंपटीशन के टाइम में इतना भारी भरकम फीस के चलते हुए वंचित रह जाते हैं शिक्षा से, उन बच्चों को हमने हमेशा सहायता की है स्कूल की तरफ से, मेरी तरफ से उनको हमेशा आगे रखा है। मैंने फीस में भी छूट दी है, बाकी आगे भी मैंने प्रयास था मेरा भी जो बच्चे आगे जाके पढ़ना चाहते हैं तो मैं उनकी आर्थिक सहायता फिर भी करता हूँ, आगे जाके भी करता हूँ जब स्कूल छोड़ जाते हैं बच्चे पास आउट होके। और आज इस अप्रोक्सीमेट 300 बच्चे अलग अलग सरकारी सेवाओं में डिपार्टमेंट में सेवा दे रहे हैं जो हमसे पास आउट होकर के गए थे। डिफेंस में भी है, वेटनरी में है, जेई अलग अलग डिपार्टमेंट में, और काफी बच्चे जैसे भी मेरे गांव से भी हैं। अभी सी और डी ग्रुप की भर्ती में मेरे स्कूल से अप्रोक्सीमेट 10 बच्चे ऐसे थे जो अभी इस सिलेक्शन हुआ है उनमें सी और डी में। तो आगे भी भविष्य में मैं ऐसे ही मतलब हमारी तरफ से ये स्कूल की तरफ से उनके लिए जो छूट है सेवाएं है वो चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हमेशा हम प्रयास रहता हूँ उन बच्चों के लिए जो इकोनॉमिकली वीक है या किसी वजह से पढ़ नहीं पाते। कई बार ऐसा ना हो, भगवान ना करे किसी बच्चे के सिर से फादर का साया उठ जाए, तो उन बच्चों के लिए मैं हमेशा प्रयास रहता हूँ। अभी भी मेरे पास 3-4 ऐसे बच्चे हैं जो फादरलेस हैं, भगवान ना करे किसी बच्चे के साथ ऐसा, बट उनकी सहायता के लिए हमेशा हम तत्पर बैठे हैं, उनकी सहायता करेंगे भविष्य में भी। अभी कर रहा हूँ मैं, हमारे स्कूल की तरफ से पूरी उनकी सहायता की जाती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सर, आप हमारे साथ में। ओके, हमने इस पढ़ाई के साथ साथ आजकल जो खेलों का एक महत्व जो शिक्षा के साथ साथ बड़ा बढ़ता जा रहा है, उसके लिए स्पेशली हमने इस बार एक ट्रेनर या कोच हमने नियुक्त किया है ताकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में अच्छा एक मिले वो सुविधा। तो उसके लिए हमारे पास 1.5 एकड़ जगह स्पेशल जो खेलने के लिए रखी हुई है जी, तो उसका हम इस बार जरूर नए सेशन से करने जा रहे हैं ये सुविधाएं बच्चों के लिए, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्रोक्सीमेट फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, उसमें हमने कोई एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह ज्यादा नहीं होंगे। तो खेलों के प्रति हमारा बड़ा इस बार जो फोकस रहेगा, पूरा जो हम अलग अलग कॉम्पिटिशन में उनको अवेलेबल करवाएंगे प्लेटफॉर्म, तो खेलों की तरफ मेरा ज्यादा फोकस रहेगा इस बार। पढ़ाई के साथ साथ स्टडी में हम ऑलरेडी बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, तो ये सतबीर जी तो नेक्स्ट सेशन का मेरा जो प्लान है हमारा जीवीएम परिवार का, तो बच्चों को वो सुविधाएं जरूर अवेलेबल करवाएंगे। थैंक्स सतबीर जी। हमारे साथ एमडी सर जुड़ेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आज जिस तरह के शिक्षा में जिस तरह के आयाम जो संस्थान स्थापित कर रहे हैं उसमें ही एक जीवीएम का नाम यहाँ नाथूश्री चोपता क्षेत्र में बड़े गर्व से लिया जाता है। सर आज एक कार्यक्रम किया गया है, बच्चों को सम्मानित किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बेदड़क हरियाणा से, जो आप यहाँ हमारे प्रांगण में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बार बार जो है ना हम यही कोशिश रहती है कि बच्चा जो है ना किस प्रकार से नए आयाम प्राप्त करे, किस प्रकार से जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनमें अपना स्थान हासिल करे, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है और समय समय पर जो है ना हम ये प्रतियोगिताएं परीक्षा लेते रहते हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य की हम जो है ना पूरी कोशिश करते हैं, कामना करते हैं। आगे को लेकर क्या कुछ प्लान बनाया गया? आगे को लेकर सर बहुत अच्छा जो है ना स्टाफ फैकल्टी है हमारे, जो खेल प्रतियोगिताएं हैं उनमें भी बच्चे हिस्सा लेंगे, उनके लिए हमने जो है ना बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है, और जो बार बार जो है ना इनकी परीक्षाएं लेंगे इनके जो है ना उज्जवल भविष्य के लिए हम किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहने देंगे। क्या नाम है? मेरा नाम शिक्षा है। कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। अच्छा, स्कूल में ये माहौल है? यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी कराई जाती है और बच्चे जो जैसा करना चाहते हैं उन्हें उसके लेवल का करवाया जाता है। नहीं नहीं अलग जानकारी देते हैं पढ़ाई के अलावा भी। मेरा नाम रुचि है। मतलब 12 और छात्र
हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, हर स्टेज में हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, अदर सभी फील्ड्स में। खेल खा ले स्पोर्ट्स में, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, सभी स्पोर्ट्स है। क्या नाम है? मेरा नाम पारुल है, मैं 8th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। विशेष लगा था स्कूल में? स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई है, हम तो शुरू से ही इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। I am Bhavna from 9th standard. क्या मतलब आज का जिस तरह से माहौल है उस हिसाब से स्कूल के बारे में क्या कुछ? आज का जैसा माहौल है उस हिसाब से हमारा स्कूल बेस्ट है, मेरे हिसाब से तो हर चीज में हमें इम्प्रूवमेंट करवाई जाती है, और जैसे इस बार कंपटीशन हुआ है ऐसे कंपटीशंस भी करवाए जाते हैं, और मुझे औरों के मुकाबले हमारा स्कूल बेस्ट लगता है। क्या नाम आपका? माय नेम इज सुहानी फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। मतलब सुहानी एक तो पढ़ाई होगी भी अलावा एम हुआ कोई हर अच्छा हो फंडिंग बारे में जानकारी दीजिए। हां बढ़िया त्रिया बताई जाए और बहुत अच्छी पढ़ाई है। ये बताई जाए भी अरवाद कर सको कि मिल सको? नहीं नहीं अलवाद नहीं, वैसे सब कुछ बढ़िया तरह बताया जाता है। फील्ड में जानो है? हाँ यस सर। आई एम भावना फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड। क्या विशेष है? हमारा हमारे स्कूल में बहुत चीजें विशेष है, यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है और अध्यापक भी बहुत अच्छे हैं। धन्यवाद। ये तमाम तस्वीरें जो आप देख रहे थे ये चाड़ीवाल के जीवीएम स्कूल की देख पा रहे थे जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और लगभग 1999 से ये स्कूल ये संस्थान यहाँ जो संचालक है उन द्वारा चलाया जाता है। बड़ी बात ये रही कि जो ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो आर्थिक तौर पे कमजोर हैं उनको भी शिक्षा यहाँ अच्छी तरह से दी जाती है, ताकि उनको कहीं ना कहीं जो आज के जमाने के इस आर्थिक युग में पैसे की कमी के कारण उनकी पढ़ाई कहीं बाधित न हो, इसलिए भी यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। ये तमाम जानकारियां आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पे। मैं आपके साथ सुखबीर सारण, कैमरा सहयोगी गन्नी शर्मा के साथ, धन्यवाद।